तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को सभी लेक्चर समझ में आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी रबर के बारे में। हमने देखा था नेचुरल रबर, जिसका मोनोमर था आइसोप्रीन, और पॉली आइसोप्रीन, जिसे हम बोल रहे थे नेचुरल रबर। वहाँ हम लोगों ने सिस वाला भी देखा था। दरअसल जो रियलिटी में जो हम लोग का नेचुरल रबर होता है, वो हम लोग का सिस वाला ही होता है, ठीक है। तो आज एक और टाइप का रबर है जिसका नाम है गुटा पर्चा, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। गुटा पर्चा इसका नाम है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लिविया ऑफ डाइकोप्सिक्स गुटा एंड पैलेक्यूम गुटा ट्रीज, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो हम लोग का नेचुरल रबर है वो भी एक ट्री से मिलता है, और उस ट्री का नाम भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जो वो रबर मिलता है वो रबर हम लोग का सिस वाला होता है, लेकिन हम लोग का एक और ट्री है जैसे कि डाइकोप्सिस गुटा और पैलेक्यूम गुटा, ये भी हम लोग के पेड़ हैं। इन पेड़ से भी एक टाइप का रबर मिलता है, लेकिन जो अब ये रबर मिल रहा है ये हम लोग का सिस नहीं, ये हम लोग का ट्रांस वाला है, ठीक है। तो डिफरेंस बस यही है कि वहाँ पर सिस का मिल रहा था और यहाँ पर ट्रांस का मिल रहा है, और सेम टू सेम वही चीज़ हमारे पास है, पॉली आइसोप्रीन है, बस वो अब की बार ट्रांस वाला है। तो इसे हम लोग बोलते हैं गुटा पर्चा, ठीक। द लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ, द लीव्स आर ग्राउंड इन मील्स एंड ट्रीटेड विथ वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड देन ड्रॉप्ड इन टू कोल्ड वाटर, ठीक है। जो हम लोग के पेड़ की पत्तियाँ होती है उसे अपन लोग मील में क्या करते हैं, ग्राउंड करके फिर उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं अबाउट 30 मिनट्स तक, ठीक। फिर उसे हम लोग कोल्ड वाटर में ड्रॉप कर देते हैं। गुटा पर्चा फ्लोटिंग ऑन द सरफेस इज कलेक्टेड। गुड क्वालिटी गुटा पर्चा कैन बी रिकवर्ड बाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वेयर इनसॉल्युबल गम्स एंड रेजिन्स आर सेपरेटेड, ठीक है। तो जब अपन लोग 30 मिनट्स तक छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि सरफेस पे हमारे पास गुटा पर्चा हम लोग का कलेक्ट हो जाता है, तैरता हुआ, फ्लोटिंग करता हुआ, ठीक। और हमें एक अच्छा अगर गुटा पर्चा चाहिए तो हम वहाँ पर सॉल्वेंट एट्रैक्शन करते हैं, तब हमें बहुत ही गुड क्वालिटी का गुटा पर्चा मिलता है, ठीक है। फिलहाल हमें तो बस इससे मतलब है कि गुटा पर्चा कौन से टाइप वाला हम लोग का रबर है। इसमें क्या होता है कि पॉली आइसोप्रीन ही रहेगा, बस वो हम लोग का आपकी बार ट्रांस वाला होगा, ठीक। तो गुटा पर्चा हैज़ द सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज द रबर बट इट इज़ ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। तो सेम हम लोग का वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा जो हम लोग का से उतरता सिस वाले में था, सिस पॉली आइसोप्रीन, जिसे अपन लोग नेचुरल रबर बोल रहे थे। बस अब की बार क्या हो जाएगा, ट्रांस वाला हो जाएगा बस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुटा पर्चा। वाइल रबर इज़ सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। रबर क्या था हमारे पास, सिस पॉली आइसोप्रीन, लेकिन अब की बार जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ठीक। तो हमने देखा था कि सिस मैनर में क्या होता है कि साइड साइड पर हम लोग का ग्रुप सेम रहते हैं, ठीक। लेकिन अब की बार क्या होगा, ट्रांस वाला है। तो ट्रांस में तो पता है हम लोग के पास डायगोनल्स पर सेम ग्रुप होते हैं, ठीक। और ये अपन लोग पॉली आइसोप्रीन देख चुके थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो अब की बार देखिए वही चीज़ें, सी एस टू से चेन आगे बढ़ रही थी और यहाँ सी एस थ्री लगा हुआ था डबल बॉन्ड, सी से एच लगा था और फिर सी एस टू लगा था, ठीक है। अब की बार हमें ट्रांस वाला फॉर्म करना है, इस वजह से सी एस टू इधर है तो उसके सामने में सी एस टू होना चाहिए, ठीक है। फिर इसे अपन लोग सी एस टू से जोड़ दिए, फिर इसके सामने सी एस टू होना चाहिए, फिर इसके सामने सी एस टू होना चाहिए, और जैसा जैसा फॉर्मूला हमारे पास है जैसा तैसा वैसे अपन लोग लिख दिए पॉली आइसोप्रीन का, ठीक। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, बस वहाँ पर सिस था, अब की बार क्या ट्रांस है। तो इसे हम बोल लें गुटा पर्चा, ठीक। अब एक और हमारे पास नई टर्म है जिसे बोल रहे हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। वल्केनाइजेशन प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स गुडियर इन 1839। वेन अ रबर इज हीटेड विथ सल्फर इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड रेजिस्टेंस टू स्वेलिंग आर इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होता है कि हम ये देख रहे थे जो हम लोग का नेचुरल रबर होता है, जो हम लोग का सिस पॉली आइसोप्रीन था, उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम था, काफ़ी हम लोग हैवी ड्यूटी के लिए उसका यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर था। अब क्या होता है कि अगर इस टाइप का रबर है तो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हमारे पास उसका हम प्रैक्टिकल यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसमें अपन लोग सल्फर ऐड करते हैं। जब हम लोग उसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं तो सल्फ़र ऐड करने से उसमें ट्रेमेंडसली बहुत ही अजीब, बहुत ही ख़तरनाक उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि वो हम लोग का जो रबर है बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हो जाता है, ठीक है। तो जब अपन लोग सल्फ़र को ऐड करते हैं
जो हम लोग का नेचुरल रबर है, तो सल्फर को ऐड करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो सल्फर को ऐड करने से वहाँ पर सल्फाइड लिंकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, और उसकी जो स्वेलिंग है वो भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक, सिंपली क्या हमारे पास है कि अगर अपन लोग जो रबर है उसमें हम लोग अगर सल्फर को ऐड कर दें, तो सल्फर ऐड करने की जो ये प्रोसेस है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐड करके उसे हीट भी करेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक, दूसरी डेफिनेशन या फिर हम देख सकते हैं, और इट इज़ हीटेड विद सल्फर एट टेम्परेचर अराउंड 373 से 415 केल्विन। प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। ठीक है, सेम चीज़ है, जो हमारे पास नेचुरल रबर है उसमें अपन लोग सल्फर को ऐड कर दिए और उसको हीट कर दिए, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वल्केनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम लोग याद करें पिछले लेक्चर में, तो हमने देखा था कि ये हमारे पास पॉलीआइसोप्रीन है, यहाँ से लेकर इस CH2 तक क्या हमारे पास है, पॉलीआइसोप्रीन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमें तो बताइए कि पॉलीमर में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, चेन बनेगी। अब ये मॉलिक्यूल एक और हमारा जुड़ गया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से इसको उठाकर एक और हमने मॉलिक्यूल को जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे चेन बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, हमने क्या करना है कि इस पॉलीआइसोप्रीन में सल्फर को ऐड करना है। ठीक, तो सल्फर ऐड करने पर जब अपन लोग हीट करेंगे उसको, हीट करने पर क्या होगा कि इनके बीच में जो पॉलीआइसोप्रीन की चेन है, इनके बीच में क्या होगा, सल्फर का लिंकेज आ जाएगा। ठीक है, तो उस लिंकेज को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चेन को दो बार लिख रहे हैं और इस तरीके से पलट कर लिख रहे हैं। ठीक है, ये चेन हमारी एक थी। ठीक, क्या कर रहे हैं, इसको पलट कर सेम चीज़ को फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, CH3 के बाद नीचे है, सेम टू सेम सब वही चीज़ें, CH3 नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक, ये हमारे पास क्या था, नेचुरल रबर था, जिसे अपन लोग पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सल्फर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, वल्केनाइजेशन। फिर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक, अभी इस रबर को हम क्या बोल सकते हैं, अनवल्केनाइज्ड रबर, क्योंकि इसमें सल्फर ऐड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग सल्फर ऐड करते हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूटने के चांस है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से कोई बॉन्ड हम लोग का लग सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा कि जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और ये सिंगल हो जाएंगे, और इन इन कार्बन से क्या होगा, सल्फर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सल्फर हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, सल्फर को ऐड होता हुआ हम दिखा दिए, वैसे यहाँ पर भी सल्फर ऐड होता हुआ हम दिखाएं, यहाँ पर भी दिखा दिए। ठीक है, तो ये हमारी चेन किसकी थी, पॉलीआइसोप्रीन की, सल्फर हमने ऐड किया तो सल्फर क्या हो गया, यहाँ पर सल्फर की लिंकेज हो गई चेन के साथ। अब ये जो रबर बना है, इस रबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर। ठीक, तो इस तरीके से अपन लोग दिखा सकते हैं, अगर पेपर में आएगा, हम लोग ऐसे चेन बना देंगे, फिर सल्फर को ऐड करेंगे और ऐसे सल्फर का लिंकेज दिखा देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, वल्केनाइज्ड रबर। अदर वल्केनाइजिंग एजेंट यूज्ड इंक्लूड से SETEZNO, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल परोक्साइड। ठीक, हमें तो पता है कि सल्फर को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा वल्केनाइजेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन सल्फर के अलावा और भी हमारे पास वल्केनाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, और बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल परोक्साइड, इन सब के ऐड करने पर भी क्या होता है कि रबर का वल्केनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें भी थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो मेन मुद्दा हमारे पास क्या है, वो सल्फर को ऐड करते हुए दिखाना, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग को क्रॉस लिंकिंग दिखा देना। ठीक है, इस तरह से लिंकिंग दिखा देना। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब हम ये जानते हैं कि जब सल्फर ऐड होता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उस रॉ रबर या फिर नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, और वो चेंज जो प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे रिस्पेक्ट में होती है, जैसा कि हम चाहते हैं, हमारे फ़ायदेमंद हो जाती है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि वल्केनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक, हमने स्टार्ट किया था गुटापर्चा से। ठीक, ये भी हम लोग का एक टाइप का रबर था, जो हम लोग का एक ट्री से मिल रहा था, ट्री के नाम लिखे हमारे पास है, डाइकोप्सिस पैलेंक्यूम गुटा। ठीक है, इन ट्री के लीव से हम लोग को ये रबर मिल रहा था, और ये सेम टू सेम कैसा था, पॉलीआइसोप्रीन की तरह था, बस अब की बार ये कैसा था, ये ट्रांस वाला था। ठीक है, ये सिस नहीं था, ठीक, सिस वाला हम लोग का नेचुरल रबर था, बस फिर अपन लोग जो पॉलीआइसोप्रीन था उसको हम लोग ट्रांस के फॉर्म में देख लिए, है ना। फिर अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया वल्केनाइजेशन,
ठीक है, इसमें क्या होता है, रबर में हम लोग सल्फर को ऐड करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सल्फ़र को ऐड करता हुआ ऐड करके वल्केनाइज्ड रबर को दिखा दिया। ठीक, और हमने ये भी देख लिया कि और भी हमारे पास सल्फ़र के अलावा और भी हमारे पास ऐसे एजेंट्स हैं जो वल्केनाइज्ड रबर दे सकते हैं, है ना, उन्हें भी हमने देख लिया। अब देखते हैं अपन लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। ठीक, इट हैज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, तो हमारे पास क्या होगा कि हम जानते हैं कि दरअसल रबर का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम चाहते हैं कि उसे खींचे, ठीक है, खींच कर कोई चीज़ को बांधने में यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी समय तक वो चले, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग की यहाँ पर बन जाती है जब अपन लोग सल्फर को ऐड करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें पता ही है कि खींचने पर वो टूटे नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ वल्केनाइज्ड रबर गेट मच इम्प्रूव्ड। ठीक है, जो हम लोग का ये वल्केनाइज्ड रबर है इसका जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, किसी अदर सब्सटेंस के प्रति जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वल्केनाइज्ड रबर इज़ कंसिडरेबली लोअर्ड। ठीक है, हमको तो ये पता है कि अगर मान लीजिए रबर हम लोग की घटिया क्वालिटी का है और वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा, वो हम लोग का कमज़ोर हो जाएगा और जैसे उसको हम खींचेंगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, तो अगर ये जो कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली, ये कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। ठीक, तो और वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है सल्फर को ऐड करने से, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, इट इज़ बेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑल दो इट टेंड्स टू एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं कि जितने भी हम लोग के पास पॉलीमर्स थे वो सब क्या थे, ज़्यादातर जितने भी पॉलीमर्स थे सब हम लोग के कैसे थे, इलेक्ट्रिकल के बैड कंडक्टर, या फिर हम बोले कि वो इंसुलेटर ही हैं, उनमें से हम करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं, तो उनका यूज़ अपन लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक वायर के तौर पर और भी बहुत जगह हम कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ये भी हम लोग का क्या है, बहुत ही एक अच्छा हम लोग का इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक, हालांकि हम लोग का थोड़ा बहुत पानी का एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि जो हमारे सब पॉलीमर्स हैं वो कैसे हैं, इंसुलेटर हैं, लेकिन हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि आज के टाइम में ऐसे पॉलीमर्स आ गए हैं जो हम लोग के कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का कंडक्टर ही है। ठीक, उनका प्रयोग अपन लोग बैटरीज में कर लेते हैं, है ना, जैसे हमारे पास पॉलीपायरोल हो गया, पॉलीथाइफीन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया। ठीक है, ये हमने पॉलीप्रोपाइलिन पढ़ा था। ठीक है, लेकिन पॉलीप्रोपाइलिन हम लोग का कंडक्टिंग पॉलीमर भी है। ठीक है, ये कुछ पॉलीमर्स हैं जो हम लोग का कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, वो हम लोग के कोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, फिलहाल अपन लोग यहाँ आते हैं। वल्केनाइज्ड रबर इज़ रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, CCl4, ETC। ठीक है, हमें तो पता ही है कि अगर जो हम लोग के सॉल्वेंट्स हैं उनसे अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि वो उसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक, अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक, क्योंकि अगर उसके बने हुए अपन लोग बर्तन में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रखते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा कंपाउंड ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो वल्केनाइज्ड रबर इस मायने में भी हम लोग का अच्छा हो गया कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, वल्केनाइज्ड रबर हैज़ मच लोअर इलास्टिसिटी। ठीक है, हमको तो ये भी पता है कि इसके पास कैसा है, मच लोअर इलास्टिसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, खींच सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसको हम नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, जितना कि अपन लोग नेचुरल रबर को खींच रहे थे और वो खींचते खींचते टूट भी जा रहा था। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन लोग को पता होनी चाहिए वल्केनाइज्ड रबर के बारे में, है ना। तो यहाँ तक अपन लोगों ने देख लिया। अब अपन लोग के पास सिंथेटिक पॉलीमर बचता है, सिंथेटिक रबर्स। ठीक है, नेचुरल रबर हमने देख ही लिया, अब लास्ट टॉपिक बचेगा जो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन लोग बातें करेंगे जो बोर्ड में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक, तो फिलहाल यहाँ तक देखते रहने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।